टीचिंग सब्ट्रैक्शन। हाँ, सब्ट्रैक्शन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्ट्रैक्शन इन जीरो, यानी कि जीरो इन सब्ट्रैक्शन, मतलब कि सब्ट्रैक्शन में अगर अगर किसी नंबर में जीरो सब्ट्रैक्ट करें देन व्हाट विल बी आंसर, आंसर क्या होगा। किसी भी नंबर में अगर हम जीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं, लुक सम एग्जांपल। सपोज 5 माइनस 0, और 5 में 0 सब्ट्रैक्ट करना हो, एडिशन में मैंने नहीं बताया था, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। फाइव माइनस जीरो फाइव प्लस जीरो, फाइव में जीरो सब्ट्रैक्ट करना है, फाइव में जीरो ऐड करना है। तो डिफरेंस ये है कि अगर हम फाइव में जीरो ऐड करेंगे, इफ वी विल ऐड फाइव जीरो इन फाइव, इफ वी विल ऐड जीरो इन फाइव, अगर हम जीरो में या फाइव में जीरो ऐड करेंगे या जीरो में फाइव ऐड करेंगे तो नंबर आंसर जो होगा वही आएगा, यानी कि फाइव पे। फाइव में हम जीरो ऐड कर दें तो आंसर कितना आएगा, फाइव पे। या किसी भी नंबर में, फाइव नहीं, किसी भी नंबर में अगर हम जीरो को ऐड करेंगे तो नंबर सेम ही रहता है, नंबर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, नंबर सेम रहेगा। अगर 5 में 0 ऐड करेंगे 5 होगा, 10 में 0 ऐड करेंगे 10 होगा, 100 में 0 ऐड करेंगे 100 होगा। तो नंबर ना तो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, नंबर सेम ही रहता है। ठीक है, 4 में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो कितना होगा, आंसर 4 ही होगा। ऐसे देख सकते हैं, 5 में 0 ऐड करना है, लुक 1 2 3 4 5, फाइव के लिए मैंने फाइव लाइन ड्रा कर दिया, फाइव के लिए 1 2 3 4 5, एडिशन में यही ऐसे ही मैंने बताया था कि फाइव कोई भी नंबर को ऐड करना तो उतना लाइन ड्रा करके नंबर को लाइन को काउंट कर लेंगे, एंड आंसर विल बी, आंसर आपको मिल जाएगा। तो फाइव के लिए फाइव 1 2 3 4 5 लाइन ड्रा कर लिए, जीरो, जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, नथिंग, तो कोई भी लाइन ड्रा नहीं करेंगे। फाइव के लिए फाइव लाइन ड्रा कर लेंगे, जीरो के लिए कोई भी लाइन ड्रा नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो मीन्स नथिंग, कुछ नहीं। तो आंसर कितना आएगा, काउंट करो, 1 2 3 4 5, फाइव के लिए आंसर प्राप्त होगा तो फाइव लेंगे। इसी तरह से फोर, फोर के लिए 1 2 3 4, फोर लाइन ड्रा कर लिए, जीरो मीन्स नथिंग, नो लाइन ड्रा, कोई लाइन ड्रा नहीं करेंगे, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 ही होगा आंसर, फोर। इसका मतलब ये है, इट मीन्स कि किसी भी नंबर्स में अगर हम जीरो को ऐड करेंगे तो नंबर न तो इंक्रीज होगा न तो डिक्रीज होगा, नंबर न तो बढ़ेगा न तो घटेगा, नंबर सेम ही होगा, फाइव है तो फाइव, फोर है तो फोर। समझ में आया? ठीक इसी प्रकार से दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो एडिशन था, अब सब्ट्रैक्शन। अब डिफरेंस क्या है कि ये तो हमको मालूम चल गया कि अगर किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो नंबर सेम रहेगा, न तो इंक्रीज होगा न तो डिक्रीज, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपने देख लिया। अब लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करें क्या होगा, अगर किसी भी नंबर में हम जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होता है, तो भी कुछ नहीं होता है, न तो नंबर इंक्रीज होगा न डिक्रीज होगा, सेम होगा। फाइव यानी कि फाइव में से अगर जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइव ही होगा। कैसे, लुक फाइव सब्ट्रैक्शन में ऐसे ही बना कर दिया जाता है ना, फाइव के लिए फाइव लाइन ड्रा करेंगे 1 2 3 4 5, फाइव के लिए मैंने फाइव लाइन ड्रा किया। अब जीरो का मतलब क्या होगा कि जीरो को सब्ट्रैक्ट करना है फाइव में से, मतलब कि जितना सब्ट्रैक्ट करना रहता है उतना लाइन को हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो जीरो का मतलब नथिंग, कुछ नहीं, तो हम कोई भी लाइन, किसी भी लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। तो जब किसी भी लाइन को क्रॉस नहीं किए तो कितना लाइन बचा हुआ है, 1 2 3 4, फाइव लाइन बचा होगा, तो आंसर कितना होगा, फाइव होगा। मतलब ये एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, अगर
किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड करेंगे तो वो नंबर सेम होगा। इसी तरह से किसी भी नंबर में अगर हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी भी नंबर में जीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर कितना होगा, सेम होगा। नंबर कितना होगा, सेम होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वन मोर टाइप ऑफ सब्ट्रैक्शन, एक और, जैसे कि ये तो था किसी नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करना, अब ये है कि किसी नंबर में से उतना ही नंबर को हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी भी नंबर में से उतना ही नंबर हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना होगा। एग्जाम्पल देखिए, लुक दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में 6 माइनस 6 मतलब कि किसी भी नंबर में से उतना ही नंबर क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। अगर हम किसी भी नंबर में से उतना ही नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर होगा जीरो। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर कितना होगा, जीरो। 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर कितना होगा, जीरो। देखिए हाउ, 6 वी से ड्रा 6 लाइन ड्रा करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 में से 6 क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 लाइन ड्रा किए, अब कितना क्रॉस करना है, 6 लाइन ही क्रॉस कर देंगे 1 2 3 4 5 6। 6 लाइन ड्रा किए, 6 लाइन सब क्रॉस कर दिए, तो कितना लाइन शेष बचा, हाउ मेनी लाइन रिमेन, नो, जीरो, तो आंसर विल बी जीरो। लाइक दिस 5 लाइन ड्रा करेंगे 1 2 3 4 5, 5 लाइन क्रॉस करेंगे 1 2 3 4 5, कितना लाइन शेष है, नो लाइन शेष, नो लाइन रिमेन, आंसर विल बी जीरो। लाइक दिस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, मतलब ये है किसी भी नंबर में से वही नंबर से वही सेम नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी भी नंबर में से उतना ही नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी जीरो। किसी भी नंबर में से अगर उतना ही नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी जीरो। और किसी भी नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी भी नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी सेम 6। 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर 6 होगा, 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर 5 होगा। तो आई होप ये यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, आज इस टाइप का हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। आज हम इस टाइप का सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। लोग, इट मींस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट, मतलब 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा। तो रूल वही होगा, 3 में से 2 माइनस करना है, तो हम 3 के लिए 3 लाइन ड्रा कर लिए 1 2 3, कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 2 माइनस करना है ना, तो 2 माइनस करना है, तो 2 हम क्रॉस कर देंगे 1 2, 3 लाइन ड्रा किए 2 क्रॉस कर दिए, तो कितना लाइन बचा, 1 लाइन, तो 1 विल बी आंसर। नेक्स्ट, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर कितना होगा, 4 लाइन ड्रा करेंगे 1 2 3 4, माइनस 3 है तो 3 लाइन क्रॉस कर देंगे 1 2 3, कितना शेष हुआ, 1 1 विल बी आंसर। लाइक दिस 10 माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट, 10 में से 3 को माइनस करेंगे आंसर कितना होगा, 10 लाइन ड्रा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस 3 करना है 3 लाइन क्रॉस कर देंगे 1 2
हाउ मेनी लाइंस रिमेंस, कितना लाइन बचा? थ्री क्रॉस कर दिए, कितना लाइन बचा? 1 2 3 4 5 6 7 लाइन, 7। लुक सम मोर एग्जांपल, लुक दिस, 8 - 1 = what? 8 में से 1 माइनस करेंगे, आंसर कितना होगा? तो लाइक दोज 8 लाइन ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस कितना करना है? माइनस 1, 1 लाइन क्रॉस कर देंगे, 1 लाइन क्रॉस कर दिए, आंसर कितना आएगा? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 विल बी आंसर। नेक्स्ट 7 - 0, 7 लाइन ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस कितना करना है? 0, मतलब 0 मींस नथिंग, तो कोई भी लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, 7 लाइन ड्रा किए, कोई भी लाइन को क्रॉस नहीं किए, तो आंसर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7। मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी भी नंबर में से हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर वही नंबर हो जाएगा, किसी भी नंबर में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो नंबर जो होगा ना तो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा, सेम नंबर रहेगा। नेक्स्ट 7 - 7, तो 7 लाइन ड्रा करेंगे, 2 3 4 5 6 7, माइनस 7 है, 7 लाइन को क्रॉस करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन ड्रा किए, 7 लाइन क्रॉस किए कर दिए, तो कितना लाइन रिमेन है? हाउ मेनी लाइन रिमेन? नथिंग, 0। तो आई होप इस तरह का जो सब्ट्रैक्शन है आपको समझ में आया होगा, इसी तरह का अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन को इस तरह से सॉल्व करेंगे, जितना फर्स्ट नंबर जो दिया होगा उसको उतना लाइन ड्रा करेंगे और माइनस के बाद जो नंबर दिया होगा उतना लाइन क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे, देन ऑल नंबर्स, ऑल जो लाइन है उसको क्या करेंगे? काउंट करेंगे, जो रिमेनिंग लाइन है उसको क्या करेंगे? सॉरी, रिमेनिंग लाइन को क्रॉस करने के बाद जो रिमेनिंग लाइन है उसको काउंट करेंगे, और काउंट करने के बाद उतना ही आंसर आ जाएगा। आई होप यू कुड हैव अंडरस्टूड, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।